બધા વિધિઓ જોયા છે તો મને એમ થયું કે આપણે આપણો મત રાખવો જોઈએ બ્રહ્મચર્ય વિશેના. તો સાચું બ્રહ્મચર્ય કોણ હશે? સહી બ્રહ્મચર્ય કિસકો કહે? ક્યારે સિદ્ધ થાય? કેસે નિવૃત્ત હો જાયે તો મન વચન કર્મ સે નિકલના ચાહે સ્ત્રી પુરુષ કા ભેદ નિકલના ચાહે કેસે હો સકતા? આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત હો જાય, આત્મા સ્ત્રી ભી નહી હૈ પુરુષ ભી નહી હૈ ને, તો આત્મજ્ઞાન હો જાતા હૈ તો સબ નિરસ હો જાતા હૈ, યાની કે નિશેષ સબ. લેકિન આત્મજ્ઞાન મેં જો અડતા હૈ વો ક્યા અડતા હૈ? જો હમે આત્મજ્ઞાન પ્રત્યે આગે નિકલને નહીં દેતા હૈ, આગે પ્રગતિ નહીં કરને દેતા હૈ, યે કોન સી ચીજ હૈ? અગર કોન સા સંસ્કાર? સ્ત્રી પુરુષ નો ભેદ? હા, હિન્દી મેં બોલે સ્ત્રી પુરુષ કા ભેદ. જો સ્ત્રી પુરુષ કા ભેદ હૈ ને, વહી હી કર્મ બડા હૈ ને, જટિલ કર્મ હૈ, ઇસીલિયે તો સ્ત્રી પુરુષ કે ભેદ કો માયા બતા દિયા કે જ્યાં જાને સે બાર બાર ક્ષણિક સુખ મિલતા હૈ, લેકિન બાર બાર તો હમે દુઃખી મિલતા હૈ, ક્યુંકિ વહી સુખ તો દુઃખ કા કારણ બન જાતા હૈ. શરીર કા નાશ હોતા હૈ, મન કા નાશ હોતા હૈ, હમારા જો વીર્ય યાની કે પરાક્રમ હૈ પરમાત્મિક પ્રતિ કે જાને કા, ઉસી કા ભી નાશ હો જાતા હૈ. तो लेकिन ये कैसे हो सकता है ब्रह्मचर्य सिद्ध? हमारे शास्त्रों में 8 प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करना ऐसा कहा है योग लोग. तो आँखों से नहीं देखना, मन से नहीं विचारना, स्थूल दृष्टि से अलग रहना, जो मन वचन कर्म के डिवाइन बता दिए नहीं, उसमें 8 प्रकार का आता है, कहा जाता है. और ऐसा कहा है कि जिनको ब्रह्मचर्य सिद्ध करना हो उसको तो एकांत में साधना करना चाहिए, और काष्ठ की पुतली स्त्री की वो भी नहीं रखना चाहिए, और वो चोरी छुपी स्त्रियों का वार्तालाप भी नहीं सुनना चाहिए, वो मजाक करती हुई उसी की ओर भी लक्ष्य नहीं जाना चाहिए. 15वीं सदी में ऐसा हो गया था ने, 1500 के बीच में, तो वो व्यभिचार बढ़ गया था, तो सज्जानंद स्वामी ने ब्रेक लगा दिया कि स्त्री पुरुष को मिलना ही नहीं, स्त्री को देखना ही नहीं. वो बहुत कठिन है लेकिन यह लगा दिया था, तो कम से कम स्त्री पुरुष का भेद स्थूल दृष्टि से तो चला जाए. लेकिन ब्रह्मचर्य का सही अर्थ क्या होता है? वही ब्रह्मचर्य सिद्ध है, ब्रह्मचर्य का पालन करना, यानी कि स्त्री पुरुष का भेद निकाल देना, हमारा वीर्यपात नहीं होना, रज्जोपात नहीं होना चाहिए, कोई दूसरी प्रक्रिया से भी उसी में नहीं उतरना चाहिए संभोग में. तो ब्रह्मचर्य सही अर्थ में, ये तो वाच्यार्थ है ब्रह्मचर्य का, सही अर्थ में तो गृहस्थी और सन्यास दोनों के लिए भी दीक्षांत है ब्रह्मचर्य, शास्त्रों ने बताया ब्रह्मचर्य के लिए सन्यासी और गृहस्थी दोनों के लिए ब्रह्मचर्य अलग बताया. जो सन्यासी है उसको मतलब जड़ बहुत मजबूत करके व्यवस्था भी कठिन, और जो गृहस्थी है उसके लिए अलग, जो 8 प्रकार का जो शास्त्र बताया है, सुनना नहीं, पढ़ना नहीं, देखना नहीं, सोचना नहीं, जो पिक्चर्स वगैरह भी देखना है, इसलिए उसको मन में अंदर नए संस्कार हो जाए, लेकिन साधक को अपने आप से संयम करके ही उसको पार किया.
संयम करते करते भी वो हो जाता है। कई जो बड़े बड़े ब्रह्मचारी का दावा करते हैं उसी का भी हो सही असयम तो क्या है, क्योंकि ये भगवान की माया है। तो वो माया बार बार गिरा देती है, तो बार बार माया जिसके वजह से पराजित होती है वो ब्रह्म है, वो ब्रह्म तेज है। तो हमारे शरीर में ब्रह्म का अंश तो हम है, लेकिन वही ब्रह्मचर्य हमें फलित करना है तो कैसे करना, सही अर्थ में आध्यात्मिक अर्थ ये है ब्रह्म के प्रति चर्या, ब्रह्म के ओर जाना, चरती इति चर्या। तो ब्रह्म के प्रति चर्या करना, तो चर्या कैसे कर रहे हो, ब्रह्म तो सब जगह है तो चर्या कैसे कर, उसी की ओर चले कैसे, मंगल बोलती उनके प्रति चलना चलिए करना चलिया कोई आध्यात्मिक करते हैं। साधु माता को परमात्मा प्रति अपने अंतर क्या रहे विचार करते हैं। हाँ साधना करते करते जब शक्ति है ना हमारी ऊर्ध्वमुख हो जाती, ब्रह्म नाड़ी बोलते सुषुम्ना नाड़ी, शास्त्र में ब्रह्म नाड़ी भी कहते हैं, ब्रह्म पथ भी कहते हैं। तो जब तक ये प्राण शक्ति यानी कि चीती शक्ति सुषुम्ना में ऊपर नहीं चलेगी तब तक ब्रह्म के लिए फलित नहीं होगा। ब्रह्म के प्रति चर्या करना है ना, तो ब्रह्म तो यहाँ ब्रह्मरंध्र में है, ब्रह्मरंध्र इसलिए तो शब्द बनाया है कि ब्रह्मरंध्र हम यहाँ विराजते सदाशिव वहाँ विराजते। तो शक्ति का सारे प्राण शक्ति शरीर से इकट्ठी होके बिंदु स्वरूप होके सुषुम्ना से ऊपर उठेगी, यहाँ लीन हो जाएगी, तब तो ब्रह्मचर्य सही से होगा, उसको सही अर्थ में ब्रह्मचर्य सिद्ध हुआ काम करता है। जब ब्रह्मचर्य सिद्ध हो जाता है परमात्मा की ब्रह्म की पूरी कृपा हो जाती है, स्त्री और पुरुष का भेद नहीं करता है और सहजावस्था ऊर्ध्वरेतस उसको बोलते हैं शास्त्रों में ऊर्ध्वरेतस। जो खाने भगवान ने जो सिस्टम बनाया है ना कि स्त्री पुरुष और जो खाते हैं पीते हैं उसी से वीर्य और रज बनता है, फिर भगवान ने ये बनाया सृष्टि हमारी चालू रही, इसीलिए 84 लाख ज्योनि में यही बनाया स्त्री माता। लेकिन परमात्मा तो स्त्री है नहीं पुरुष भी नहीं है, जब ब्रह्मचर्य सिद्ध हो जाता है तो शिव स्वरूप हो जाता है आदमी, उसी में अर्धनारीश्वरी अर्धनारीश्वर स्थिति उत्पन्न हो जाती नर और नारी एक ही शरीर। इसीलिए तो हमारे तंत्र शास्त्र में तो ऐसा कहा कि जब शक्ति ऊपर उठ के ब्रह्मरंध्र में लीन हो जाती है तो उसी को महासंभोग ऐसा नाम तंत्र शास्त्र में, कई शास्त्रों में ऐसा नाम दिया कि ये महाप्रलय की स्थिति है। जब सारे ब्रह्मांड महाप्रलय में चले जाते हैं ब्रह्म में लीन हो जाते हैं वो भी महाप्रलय है, लेकिन हमारे शरीर में यही प्रलय होता है, शक्ति शिव में मिल जाती है तब तो एक ही तत्व रहता है, स्त्री भी नहीं है पुरुष भी नहीं है, शिव और ही और शिव का वो भेद बिल्कुल निकल जाता है, कल्पना मात्र नहीं उठेगी वो, ऐसा कहेंगे मैं भी ब्रह्म का अंश हूँ, अगर मैं ब्रह्म ही मैं परमात्मा हूँ, लेकिन हम कह नहीं सकते हम परमात्मा। कल डिबेट मैंने देखा नहीं उसे सुन नहीं याद आया, तो बता रहे थे कि भाई शंकर वो शिवी के साई बाबा है वो भगवान नहीं है वो संत है, ऐसी ऐसी सब चलती थी बातें। तो मैंने सोचा कि संत तो सभी हैं, सभी हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते बात से, लेकिन भगवान के अंश तो हम जरूर है, ब्रह्म के अंश हम है, जीव भावे ब्रह्म का अंश है। लेकिन जब ये परिस्थिति ब्रह्मचर्य की स्थिति हो जाती है तब शरीर अपना वीर्य बनाना छोड़ देता है, स्त्री होता है तो उसी का जो सर्कल होता है मासिक धर्म का वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा, छोटी उम्र में बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता कि 55-50 साल तक चलता है वो नहीं चलेगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य सिद्ध हो जाता है तब यही घटना हमारे हॉर्मोन भी चेंज हो जाते हैं, शरीर भी चेंज हो जाता है। देखो बड़े बड़े महात्मा जो जो समाधि तक पहुँचे उसी के स्तन गरी जैसे हो जाते हैं, जो स्त्री है उसी को छोटी छोटी मूर्तियाँ मूर्ति आ जाती है दादी आ जाती है। तो एक ही शरीर में स्त्री और पुरुष यानी कि शक्ति और शिव का स्वरूप है ही, उसी की अनुभूति है।
तो ब्रह्मनाड़ी खुलना चाहिए, उसी में हमारे वो शक्ति ऊपर चढ़नी चाहिए। जब शक्ति ऊपर चढ़ जाएगी तो हमारे जो सिस्टम है ना, उसी में धीरे धीरे ये जो आकर्षण है वो चला जाएगा, तो अपने आप ब्रह्म दर्शन हो जाता है। कभी उसको ये संभोग की इच्छा नहीं होता, क्योंकि मैं हूँ सर्वोत्तम ऐसा ही। लेकिन कभी कभी आदमी को गिरता हुआ हम देखते तो उसी का प्रारंभ है, इसलिए आदमी संग गिर जाता है। लेकिन संपूर्ण स्थिति में पहुंच जाता है, निर्विकल्प अवस्था में, तो गिरने की कोई जरूरत अवश्य गर्मी गिरता ही नहीं, भगवान उठा लेता है। शायद वो गिर जाए कोई प्रारब्ध के अनुसार, तो कहाँ तक गिरेगा? सविकल्प समाज नीचे नहीं आएगा, कि जो संसार चलाने की जो सिस्टम है उसमें नहीं जाएगा। स्त्री पुरुष का आकर्षण नहीं करेगा, जागृति तुरंत आ जाएगी और उसको महसूस होगा कि मेरा ये कर्म है, इसी के लिए मैं नीचे उतरी। लेकिन वो सविकल्प समाधि से तो नीचे उतरेगा ही, शास्त्र वचन है हमारा गुरु की वो कृपा है। तो सही ब्रह्मचर्य क्या है समझ में आ गया? क्या है बताइए? ब्रह्म की ओर जाना, ब्रह्म की ओर जाना। लेकिन वो एक हमें क्रिया बताया नहीं, प्रोसेस बताया। लेकिन ब्रह्मचर्य सिद्ध हुआ कब कह सकते कि जब निर्विकल्प समाधि लग जाते हैं, जहाँ स्त्री और पुरुष का भेद बिल्कुल नहीं। तो बाकी क्या होता है? परमात्मा स्वरूप प्रेम स्वरूप होता है, सभी को प्रेम करते हैं, इसीलिए तो बोलते हैं कि परम प्रेम एक परमात्मा है। बाकी सब राग है, लागणी है, ये सब फीलिंग है। बाकी आखिरी ये फीलिंग है, मैं एक हूँ, उसी से मैं ज़्यादा हो गया, एक हो हम बहुत श्याम करना है। फिर बहुत हम बहुल है तो एक हो जाए, फिर वो हर जगह अणु अणु में अपने को फील करेगा, इसीलिए वो किसी की हिंसा नहीं करेगा, द्वेष नहीं करेगा। सही बात अध्यात्मिक करते हैं।